बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड, इसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने ये बताना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन में पॉलीनोमियल लिखा हुआ है ax³ + bx² + 8, इसकी डिग्री किसके बराबर है। तो आपने देखना होता है एक्स की पावर सबसे ज़्यादा किसकी है। इधर एक्स की पावर 2 है और इधर एक्स की पावर 3 है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो इस जगह पर लिखी हुई है एक्स की पावर 3। तो जो पावर 3 है, जो मैक्सिमम पावर है इस पॉलीनोमियल की, वही इसकी डिग्री होती है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसके रूट्स किसके इक्वल होंगे। तो अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। मसलन इस जगह पर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं x² - x और -2 = 0, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है -2x². अब यहाँ से हमने इस 2 के फैक्टर बनाने होते हैं, तो 2 किस किस टेबल पर आता है, 1 2 टाइम्स 2, और हमने बनाना कितना है, -1x बनाना है। तो ये जो साइन होता है ये बड़ी टर्म के साथ लगाते हैं और इस जगह पर हम लिख देंगे प्लस। अब +1x और -2x ये इसके फैक्टर बने हैं। अब इस जगह पर अगर मैं लिखूं x² + 1x और -2x, और ये जो -2 है इस जगह पर लिखा = 0, ये फैक्टर बनाने का तरीका आपने 8th क्लास 9th क्लास में ये सीखा होगा। अब यहाँ से हमने x कॉमन ले लेना, ये हमारे पास आ जाएगा x+1, और इधर से -2 कॉमन ले लेंगे तो इधर भी आ जाएगा x+1 = 0। तो हमारे पास आ गया जी x+1 और x-2 = 0। अब जब हम x+1 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से x का जवाब आ जाएगा जी -1। एक तो x का ये जवाब आ गया और दूसरा x-2 ये 0 के बराबर है। यहाँ से दूसरा हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो -1 और 2 इसका आंसर है। ये देखिए -1 और ये 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बताएं ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पावर है वो एक्स की पावर 3 है, तो बाकी इधर एक्स की पावर 2 है, इधर एक्स है, तो सबसे ज़्यादा पावर 3 है, इस वजह से हम कहेंगे इसकी डिग्री 3 है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बताएं ये क्या चीज़ है। अगर दोनों साइडें सेम हों, यानी कि कोई फार्मूला बन रहा हो तो दोनों साइड सेम उसका आंसर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। मसलन इसका अगर मैं फार्मूला खोलूं, x-4 का स्केयर खोलूं, तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर लिखूंगा प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, और उसके बाद लिखूंगा -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ये जो टर्म है आप इसको दरमियान में भी लिख सकते हैं और इसको लास्ट पे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया x², ये बन गया 16 और ये बन गया -8x। तो इसका मतलब इसका मैं फार्मूला खोलूंगा तो ये इसका आंसर आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है, अब आप x की जो मर्जी वैल्यू लिखें, मसलन अगर आप इस जगह पर 1 लिखते हैं तो 1 - 4 कितना हो गया, -3 हो गया, -3 का स्केयर करेंगे तो 9 आएगा। अब इसी तरह इसके अंदर भी अगर आप एक्स की जगह अगर आप 1 पुट करके देखेंगे फिर इसका जवाब भी 9 आएगा। वो किस तरह, मसलन ये 1 का स्केयर, फिर -8 और फिर इस जगह पर 1 लिखा और ये आ गया 16, 16 और 1 17, 17 में से जब आपने 8 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 ही आएगा। यानी कि दोनों साइडों पर सेम जवाब आता है। तो ऐसी जो चीज होती है जिसके अंदर दोनों साइडों पर एक्स की कोई वैल्यू हम पुट करें और वो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। तो
अगर सिर्फ एक वैल्यू के लिए अगर वो चीज़ सेटिस्फाई हो रही हो तो उसको हम कंडीशनल कहते हैं, तो उसका आगे क्वेश्चन आ जाएगा। मसलन ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो ये बात कर रहे हैं, कहते हैं जो कंडीशनल इक्वेशन है वो क्या है। मसलन ये जो चीज़ लिखी है 5x, ये किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है, 5x बराबर 4। अब इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्स की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और वो वैल्यू क्या है, 4/5। अगर हम एक्स की जगह 4/5 लिखेंगे तब दोनों साइडें इक्वल आएंगी, मसलन 5 5 से कट जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 बराबर है 4 के। तो ऐसी जो कोई इक्वेशन होती है जो सिर्फ एक वैल्यू के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं, और अगर वो तमाम वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हो तो उसको हम आइडेंटिटी भी आइडेंटिटी ही उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास 4/5 इसका आंसर है, यानी कि कंडीशनल का आंसर क्या है जी, ये कब ट्रू होगी, जब एक्स की वैल्यू 4/5 होगी। उसके बाद कह रहे हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, वो कह रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जब तक एक्स की पावर 2 रहेगी। तो एक्स की पावर 2 उस वक्त तक रहेगी जब ए 0 नहीं होगा, अगर ए 0 हो जाए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये इसकी कंडीशन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी। अगर बी 0 हो जाए तो फिर भी एक्स स्क्वायर तो है, हमने तो सबसे ज्यादा पावर देखनी है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है तो वो प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। लेकिन अगर ए 0 हो गया तो फिर ये जो क्वेश्चन है के अंदर सिर्फ ये वाली चीज बचेगी, तो ये वाली चीज क्या होती है जी, लीनियर होती है, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, तो ए को 0 नहीं होना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि एक्स की पावर ज्यादा ज्यादा कितनी है, 2 है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 के इक्वल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस सी ये 0 के बराबर होगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को 0 करना पड़ेगा, जब ए 0 होगा ये यहाँ से खत्म हो जाएगी चीज, जब ये खत्म होगी तो ये हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक को लीनियर में तब्दील कर सकते हैं, अगर ए हमारे पास क्या आ जाए जी, 0 आ जाए। अच्छा, अब उससे जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर आपने फैक्टरी बनाने हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, +6x2। अब आपने 6 के फैक्टर बनाने हैं, तो 1 6 6 और 2 3 टाइम्स क्या होता है, 6 होता है, और -5x बनाना है, तो -5x किस तरह बन सकता है, इधर अगर मैं माइनस लिखूं और इधर माइनस लिखूं, ऊपर से भी 5 बन जाता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने से +6 नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करने से -6 बनेगा। अगर मैं इस जगह पर लिखूं ना माइनस और इस जगह पर प्लस लिखूं, एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये वाली आपने 2 टर्म्स ले लेनी है। मसलन आपने लिखना है x² - 5x + 6, फिर हम लिखेंगे x² - 2x - 3x +6। अब यहाँ से अगर मैं एक्स कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा x-2, और इधर से -3 कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा x-2, तो ये आ गया जी x-2 और x-3। अब इन दोनों को 0 0 के बराबर रखते हैं, जब x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x = 2 आ जाएगा, जब x-3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये इसके 2 आंसर आएंगे, 2 और 3। तो इस जगह पर अगर देखें तो यही इसके 2 आंसर गिवन हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको सॉल्व करते हैं, तो इस जगह जरा मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि इस जगह पर क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी तकरीबन इससे मिलता जुलता सवाल ही है, तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि बताएं ये जो चीज़ लिखी हुई है x² - 3x + 3x + a, ये 0 के, बल्कि ये ऊपर क्वेश्चन है, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन लिख दिया, तो ये चीज़ लिखी हुई है x² - ax + 2, ये इसका जो सोल्यूशन है वो x
बराबर वन है, अगर एक्स बराबर वन है तो इसका मतलब है एक्स माइनस वन वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसकी दो जो हमारे पास आंसर आएंगे, एक तो एक्स माइनस वन होगा, एक और होगा एक्स माइनस आगे। अब ये चीज हमने सोच के लिखनी है, इधर अब मैं क्या चीज लिखूं कि हमारे पास प्लस टू बने, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस टू। अगर इधर मैं माइनस टू लिखूं तो फिर ये वाली ना इनमें से ये वाली चीज बन जाएगी और फिर मैं ए को फाइंड कर सकता हूँ। वो किस तरह, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया माइनस टू एक्स, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू। तो ये देखें फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर है, इधर भी एक्स स्क्वेयर है, लास्ट टर्म प्लस टू है, तो इधर भी क्या लिखा हुआ है प्लस टू। तो ये वाली जो चीज है ये क्या है माइनस थ्री एक्स, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है, मसलन एक ये जो टर्म लिखी हुई है माइनस माइनस ए एक्स और माइनस थ्री एक्स, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि ए थ्री के बराबर है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, ए किसके बराबर आ जाएगा थ्री के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर इस तरह थ्री के इक्वल आता है। तो इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं किस तरह सॉल्व करना। अब इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहे हैं कि सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये बताएं ए किसके बराबर होगा। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ जी, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस ए। अब इसका ये लिखा हुआ है कि जो इसका रूट है वो टू है, अगर टू रूट है तो ये बनेगा एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स बराबर टू है तो जब वो टू इस तरफ आएगा तो एक्स माइनस टू बराबर जीरो हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू आएगा। अब इधर हमने ना एक और चीज लिखनी है, अब इधर हमने ऐसी चीज लिखनी है कि जिससे हमारी ये वाली चीज क्या बने माइनस थ्री एक्स बने, तो ये माइनस टू एक्स और इधर अगर मैं लिखू ना माइनस वन फिर ये माइनस थ्री एक्स बनेगा। वो किस तरह, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर फिर माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस टू, तो ये बन गया जी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। तो अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ, मसलन ये देखें ये एक्स स्क्वेयर है, इधर भी क्या लिखा हुआ है जी एक्स स्क्वेयर, ये माइनस थ्री एक्स है, इधर भी क्या लिखा हुआ है माइनस थ्री एक्स। तो यहाँ से ये पता चला ए किसके बराबर होगा जी, टू के बराबर होगा। तो ये जो हमारे पास आंसर है ए इज इक्वल टू टू वो इस तरीके से आएगा, यानी कि ए किसके बराबर होगा जी, टू के बराबर होगा। अच्छा अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये लिखा हुआ है फोर की पावर माइनस एक्स और ये लिखा वन बाय टू, समझे इधर टू की पावर वन है, नीचे टू की पावर वन है, जब ये टू पर आएगा तो टू की पावर माइनस वन हो जाएगी। अब इसको हम यू लिख सकते हैं टू की पावर टू और साथ माइनस एक्स, ये किसके बराबर है टू की पावर माइनस वन, तो ये बन जाएगा टू की पावर माइनस टू एक्स और ये बन गया जी टू की पावर माइनस वन। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, माइनस टू एक्स बराबर है माइनस वन के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। उस नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसके साथ का ही है, सिर्फ इधर माइनस एक्स है, ये वैसे फोर की पावर एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे टू की पावर टू, फोर को क्या लिखा टू की पावर टू एक्स और ये वाला टू पर आके टू की पावर माइनस वन हो गया, टू की पावर टू एक्स बराबर आ गया टू की पावर माइनस वन, तो टू एक्स को हम बराबर रखेंगे माइनस वन के और यहाँ से एक्स का जवाब आ जाएगा माइनस वन बाय टू। तो ये इसका सही आंसर है, ये गलत है, तो ये वाला इसका आंसर नहीं है बल्कि ये वाला इसका आंसर है माइनस वन बाय टू। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा अब जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं कि बताएं ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, वो किस तरह, मसलन इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर लिखता हूँ, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मैं अगर लिखता हूँ एक बार सिक्सटीन एक्स सिक्सटीन फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ था एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस एट फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स फिर प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर, ये किसके बराबर है जीरो के बराबर है। तो
तो ये अगर आप इस जगह पर देखें तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैंने इस जगह पर लिख लिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 16x^4 + 16 - 8x^3 - 8x और +9x^2 = 0। अब इसके अंदर हमने इसकी थोड़ी सी जो तरतीब है उसको सही करना है। मसलन सबसे पहले हम x^4 वाली रकम लिखेंगे, फिर हम x^3 वाली लिखेंगे, उसके बाद x^2 वाली, और फिर x^1 वाली, और फिर बगैर x के जो टर्म है वो लिख लेंगे। अब आपने इन तमाम टर्म्स को x² से डिवाइड करना, मसलन इसके नीचे भी आपने लिख देना है। इधर से अगर मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि सही समझ आ जाए, इधर भी x², इधर भी x², इसके नीचे भी x² और इधर भी x² इधर भी x² और 0 के नीचे भी x², ये बन जाएगा 16x² - 8x + 9 - 8 / x + 16 / x², ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई है। अब अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस एक्स बाय 1/x, तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन इस जगह पर मैं 1/x लिख देता हूँ, मसलन इस एक्स की जगह पर 1/x लिख दिया, +9 - 8, और इस एक्स की जगह पर 1/x लिख दिया, +16, इस एक्स की जगह पर 1/x लिख दिया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 16 / x² - 8x + 9 - ये वाला एक्स ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 8x, और ये 1/x², ये x² ऊपर चला जाएगा। तो अब ये देखें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या बन गई, सेम बन गई। तो एक्स को अगर हम रिप्लेस करें 1/x से और उसके ऊपर कोई फर्क ना आए तो वो क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इसको आपने इस तरह सॉल्व करना था। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। अगर इसके अंदर देखें ना, ये 2^2x लिखा हुआ है, इधर x लिखा हुआ है। अगर xyz यानी कि जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम एक्स को रिप्लेस किस से करें, 1/x। अभी मैंने आपको इस जगह पर रिप्लेस करके भी दिखाया, अगर एक्स को 1/x से रिप्लेस करें तो अगर कोई फर्क ना आए तो वो क्या होती है जी, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो यही उन्होंने पूछा कि रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हम एक्स को 1/x से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास तीन होते हैं, एक वन होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्केयर होता है। तो कह रहे हैं अगर ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बताएं इस चीज का जवाब किसके बराबर आएगा। तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, तो इसको हम यूं सॉल्व कर सकते हैं, ये जो चीज़ है ना 1 + ओमेगा, ये -ओमेगा² के बराबर होती है। वो किस तरह, मसलन 1 + ओमेगा + ओमेगा² ये 0 के बराबर है, तो अगर ये दो चीज़ें इधर हों 1 + ओमेगा तो ये माए इस साइड पर आकर -ओमेगा² हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जवाब आ गया -ओमेगा² - ओमेगा² अब इसमें आपने प्लस वाली टर्म्स देखनी है, एक ये प्लस वाली है, एक ये प्लस वाली है, इन दोनों का जवाब आएगा -ओमेगा, और ये वाला -ओमेगा इस जगह पर है, तो ये जवाब आ गया -2^2, इसका जवाब मैंने इधर लिखा है, और इसका जवाब ये लिख दूंगा -2^2। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 2s are 4, 7^3, तो 4 × ओमेगा³ वो 1 के बराबर होता है। ये भी आपने याद रखना है, ओमेगा³ किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस जगह पर भी अगर आप देखें तो इधर जवाब कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये जो जगह है इसको मैं ज़रा साफ कर देता हूँ ताकि इस जगह पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अच्छा, अब इसका देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है।
मसलन ये लिखा हुआ है वन प्लस ओमेगा, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। इस जगह पर अभी मैंने बताया भी था कि अगर वन प्लस ओमेगा हो, ये माइनस दूसरी प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है 7 ओमेगा स्क्वायर। और आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, 3। ये बन गया -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 3। अब क्योंकि पावर 3 है, ऑड है, तो ये माइनस आएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, और ये बन गया ओमेगा की पावर 6। और जो ओमेगा की पावर 6 होती है, इसको हम लिखते हैं ओमेगा क्यूब और इसका स्क्वायर। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो इसका मतलब 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है जी, -8 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको यहाँ से मिटा लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन भी इस जगह पर सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 ये लिखा हुआ है ओमेगा की पावर 15, 15 को लिखेंगे 3 और इसकी पावर 5, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। -1 यानी कि ओमेगा जो होता है ना, ये 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा जी 1 और 1 की पावर 5। 1 की पावर 5 हो तो 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, वो 1 ही आता है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ओमेगा स्केयर किसके बराबर होता है, तो ओमेगा स्केयर इस चीज़ के बराबर होता है। अगर ये अयोटा साथ ना लगाना हो तो फिर स्केयर रूट के अंदर माइनस लिख लेते हैं, मसलन यूँ लिख लेते हैं -1 माइनस स्केयर रूट में -3 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो अगर माइनस नहीं लिखना फिर अयोटा लिख लेते हैं, क्योंकि -1 जो है ये अयोटा के बराबर होता है, तो ओमेगा स्केयर इसके बराबर। ये किताब के ऊपर उन्होंने ये बात बताई हुई है कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है। अच्छा, अब इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमें पता है वो किसके बराबर होती है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर के बराबर होती है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 हो, यानी कि अगर 1 हो तो ये 3 होते हैं, -1 हो तो तीनों के साथ माइनस लग जाता है, यानी कि इस तरह -1 -ओमेगा और -ओमेगा स्केयर। इसके अंदर ये वाला जो है ना, ये रियल है और बाकी ये दोनों क्या हैं, कम्प्लेक्स हैं। तो ये दोनों कम्प्लेक्स हैं, तो उन्होंने यही पूछा क्वेश्चन में, कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, तो वो ये वाले दोनों इसके आंसर होंगे। तो ये याद रखने, कम्प्लेक्स का उन्होंने जिक्र किया। अगर खाली कहते हैं ना क्यूब रूट ऑफ -1, उसके रूट्स क्या हैं, फिर आपने तीनों लिखने थे, -1 -ओमेगा स्क्वायर, लेकिन अब फिलहाल 2 आएंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है जी, -1 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाला जो 1 है इधर आके -1 हो जाता है, ये इसका आंसर आता है। और इन तीनों को जमा करें तो 0 के बराबर होता है। और उसके बाद ये जो है ओमेगा ये किसके बराबर होता है, तो ये वाला भी प्लस ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ आके -ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि -1 तो -ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, क्या चीज, ओमेगा। तो इसका मतलब यह चीज इसके बराबर होती है। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर जो है ना वो ओमेगा की पावर -1 के बराबर है, वो किस तरह, ये इधर सॉल्व भी किया हुआ है, मैं दोबारा कर देता हूँ। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब को यूँ लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये 1 हो गया। अब ओमेगा स्क्वायर इधर लिखा और ये जो ओमेगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जिस टाइम ये ओमेगा की पावर इस जगह पर 1 है, जब ये ऊपर आएगी तो ओमेगा की पावर -1 आ जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा की पावर -1 के ये बराबर होता है। तो फिर कह रहे हैं आपने सम करना है कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला अब यूनिटी, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो किसके बराबर आएगा, तो ये बराबर आएगा -1 के, जो +1 है वो दूसरी तरफ आके -1 हो जाता है। तो वो कह रहे हैं सम करें ऑल तमाम के तमाम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये जो तीनों है 1 ओमेगा ओमेगा, इनको जमा करें तो वो किसके बराबर आता है जी, 0 के बराबर आता है। अगर इनका प्रोडक्ट लें, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, तो कह रहे हैं सम ऑफ फोर्थ रूट, यानी कि सम ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81, 81 के जो फोर्थ रूट होते हैं वो ये तीन होते हैं, 3 -3
थ्री अयोटा और -3 अयोटा, इनका अगर हम सम करेंगे ना तो वो जीरो बन जाएगा। ये 3 -3 को खत्म कर देगा, 3 अयोटा -3 को अयोटा को खत्म करेगा, जवाब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया। 81 के जो फोर्थ रूट होते हैं वो इसके बराबर होते हैं, क्योंकि अगर हम 3 की पावर 4 लें तो वो 81 के बराबर होता है, तो इस तरह इसको करते हैं। अब 16, 2 की पावर 4 16 होता है ना, तो इस वजह से फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होगा, 2 -2, 2 अयोटा -2 अयोटा। अगर इनका भी सम करेंगे ये भी जीरो के बराबर आएगा। अगर इनका आप क्या करते हो, यूनिटी का, यूनिटी होता है 1, 1 का अगर फोर्थ रूट लेते हैं तो उसके भी ये 4 जवाब आते हैं, 1 -1 अयोटा -अयोटा। इसका भी सम करेंगे ये भी जीरो के बराबर आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका जवाब -1 आता है। वो किस तरह, ये देखें, 1 -1 फिर अयोटा फिर -अयोटा, तो ये 2 बार माइनस है ना, तो ये क्या हो गया, प्लस अयोटा 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 स्केयर, तो ये प्लस अयोटा स्केयर आ गया। अब हमें पता है कि ये जो अयोटा स्केयर होता है ये -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस -1 इसका आंसर आ जाता है। तो ये इसका जो आंसर है ना, -1, ये इस तरीके से आया है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं जी, ये अभी हमने पढ़ा, -1, 1 -iota और +iota, अभी ये जो हमने इधर इस्तेमाल किए थे। उसके बाद इसका आंसर किसके बराबर है, इसमें ये 2 रकमें प्लस वाली हैं, एक पहली और एक आखिरी, तो ये 1 और ओमेगा स्केयर ये किसके बराबर होगा, -ओमेगा के, और ये जो -ओमेगा इस जगह पर आ जाएगा, ये बन जाएगा -2 ओमेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -2 ओमेगा। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जी, ये वाला है, तो ये ओमेगा की पावर 29 है, तो इसको लिखेंगे 27, वो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्केयर, और ये 28 है, इसने साल्व होकर ओमेगा में तब्दील होना, और ये +1, और ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है जी, जीरो के बराबर होता है। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये वाली बात आपने याद रखनी है, जो डिग्री ऑफ कांस्टेंट है पॉलिनोमियल के अंदर, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री जीरो होती है। ये आपने जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह याद रखना है कि कांस्टेंट की किसी पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ये स्टार भी मैंने साथ बना दिया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जो वेरिएबल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ पावर होती है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी। जब पावर जीरो होगी तो वो 1 के बराबर होगा, तो कांस्टेंट टर्म उसकी डिग्री क्या होती है जी, जीरो होती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो वेरिएबल है यानी कि एक्स, उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो ये जो ऊपर 2 लिखा हुआ, तो इस वजह से इसकी डिग्री कितनी बन गई, 2 बन गई। उसके बाद डिवीजन वाले कुछ सवाल है, क्या रहे, अगर इसको आप इस पर डिवाइड करो तो जवाब क्या आएगा, तो अगर इसको मैं 0 के बराबर रखूं, x -1 = 0, x = 1, अब जिस जगह पर x लिखा हुआ उधर उधर 1 लिखते हैं, मसलन 1³ + 4 × 1² - 2 × 1 और +5, तो 1³ क्या होता है, 1, और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 नहीं होगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 - 2 और +5, तो ये वाला आ गया जी 5, और ये 5 कितना हो गया, 10, 10 में से 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो इसका आंसर 8 इस तरह आ जाता है। फिर वो ये कह रहे हैं कि बताएं नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, तो इसके अंदर आपने देखना है एक्स की पावर कितनी है, इधर एक्स की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये है इसके जो रूट्स हैं वो भी 6 होंगे। अगर पावर 3 हो तो इसके 3 जवाब आते हैं, एक्स के जो जवाब निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, 3, एक तो x-1 है यानी कि x = 1 है, तो बाकी इसके अलावा 2 और मजीद निकलेंगे। अब इधर x की पावर 2 है, इसके 2 x के जवाब आएंगे, इधर x की पावर 6 है तो इधर x के 6 जवाब आएंगे। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर x-a इस पॉलीनोमियल का फैक्टर हो तो f(a) किसके बराबर होगा, तो f(a) 0 के बराबर होगा। तो फैक्टर यही होता है कि जब आप पॉलीनोमियल, ये जो मसलन ये पॉलीनोमियल है, इधर अगर हम x की वैल्यूज पुट करें और वो वाली x की वैल्यू पुट करने से अगर जवाब 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो नंबर है इसका फैक्टर है। तो
इस क्वेश्चन में तो 8 आया ना जवाब, तो हम कहेंगे 8 आने की वजह से एक्स माइनस वन इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई और चीज भी है। तो अगर तो जवाब 0 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये इसका क्या फैक्टर है, ये याद रखना है। तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, अगर ये क्या हो, फैक्टर हो, तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। इसी तरह ये द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, इसके आपने प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है पी बराबर होता है सी ओवर ए, जो सम होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए, और जो प्रोडक्ट है वो सी ओवर ए है, तो ये इधर सी ओवर ए लिखा हुआ है। तो उसके बाद इससे अगला जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हों इस इक्वेशन के, तो अल्फा प्लस बीटा जो है उसका आंसर क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा तो सम के बराबर होता है, और सम का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। इस क्वेश्चन में ए बराबर वन है, बी बराबर माइनस वन है, और सी बराबर वन है, तो बी की जगह माइनस वन लिखा है, ये फार्मूले का माइनस है, और ए भी किसके बराबर है, वन के बराबर है। माइनस माइनस प्लस, ये वन डिवाइडेड बाई वन, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। उसके बाद ये अगर एक्स माइनस वन इसको डिवाइड कर रहा है, तो फिर बताएं इसका रिमाइंडर किसके बराबर होगा। तो ये एक्स बराबर वन आ गया। अब जिस जिस जगह पर एक्स लिखा हुआ वन लिखते हैं, वन की पावर 3 प्लस 4, वन की पावर 2 माइनस 2, एक्स की जगह पर 1 और प्लस 5। ये ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो उसका भी आंसर कितना आया था, 8 आया था, तो इसका भी आंसर कितना आएगा जी, 8 ही आएगा। ये क्वेश्चन 2 बार इधर लिखा गया है। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन के अंदर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, तो उसके अंदर हम डिवीजन करते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। इसमें ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 4 है, और सी इसमें कोई नहीं लिखा हुआ, तो सी 0 है। जब हम सी ओवर ए करेंगे, किसी चीज के ऊपर 0 लिखेंगे, तो वो सारी चीज 0 हो जाती है, 0/3 का मतलब 0, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। उसके बाद ये है कि आपने बताना है अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का आंसर किसके बराबर आता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा अल्फा बीटा, फिर ये बन गया जी अल्फा, फिर ये बन गया जी बीटा, और फिर ये वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो वन। ये चीज पी होती है, और ये वाली चीज एस, और ये प्लस वन। अच्छा, अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं सी ओवर ए, और इधर हम लिखेंगे माइनस बी ओवर ए और प्लस वन। अब इसके अंदर ए से मुराद 3 है, बी से मुराद -2 है, और सी से मुराद 4 है। इधर हम लिखेंगे 4/3 ±, बी किसके बराबर है, बी बराबर है जी -2 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए हमारे पास क्या, 3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 2, और 1 3 जार 3, और 3 1 जार 3, तो इस जगह पर 3 आ जाएगा, तो ये 6 और 6 और 3 9, 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो इसका आंसर कितना है, 3 है। तो ये एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा, अब उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वो कह रहे हैं सम, सम आपने निकालना, तो सम वो हमें पता है किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए। इधर बी से मुराद -2 है, और ए से मुराद 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ये 2/3 इसका आंसर गिवन है। तो प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, सी ओवर ए, इसको इसी तरह लिख देंगे। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अहम है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ये ऐसे करता हूँ, इस जगह पर सॉल्व कर देता हूँ, मसलन इधर से पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जी x² + px + q, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब हमारे पास फार्मूला तो ये होता है x² - sx + p, ये किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है।
तो यहाँ से एस जो है ये किसके बराबर होता है, अल्फा जमा बीटा, और जो पी है ये बराबर होता है अल्फा बीटा के, ये किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या है, जो रूट्स हैं वो एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं, जो रूट्स हैं ये बात कर रहे हैं, जो रूट्स हैं एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स हैं। इसका मतलब ये है अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, तो अल्फा के ही बराबर है, लेकिन जो बीटा है ना वो इसका एडिटिव इनवर्स है, इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इसका मतलब वो माइनस अल्फा के बराबर है। तो अब हम ये कहेंगे कि अल्फा और ये माइनस अल्फा एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। अब जिस जगह पर बीटा लिखा हुआ है ना उस जगह पर आपने क्या लिख देना है, माइनस अल्फा लिख देना, बीटा की जगह पर माइनस अल्फा लिखा और इसी तरह इस बीटा की जगह पर आपने माइनस अल्फा लिख देना, तो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये वाली चीज क्या बन गई, 0x, और ये भी बन जाएगी जी माइनस अल्फा स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये पी लिखा हुआ है और इसके इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो पी है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और ये इनके रूट्स आपस में एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं तो पी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व होना है, यानी कि ये जो पी है ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आपने समझ लेना है जो भी मैंने किया, अगर समझ ना आए तो दोबारा उसको एक दफा देखें समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आमतौर पर इस जगह पर होता है प्लस, लेकिन इसका इस जगह पर क्या है, माइनस है, तो अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए। तो अब ये माइनस, अब बी की वैल्यू वैसे ही वो माइनस में है तो इधर माइनस बी लिखेंगे डिवाइडेड बाय ए, तो इसका जवाब आ जाएगा बी ओवर ए, तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहे हैं कि अल्फा बीटा किसके बराबर है, तो अल्फा बीटा तो बराबर होता है सी ओवर ए, ये सी है और इधर कुछ नहीं है तो इधर वन है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 5 के बराबर होता है, ये इसका आंसर है। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए 4 अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू निकालनी है, 4 कॉमन लेंगे, बाकी अल्फा जमा बीटा ब्रैकेट में आ गया, अल्फा जमा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी ओवर ए, तो ये बी है और ये ए है, -5 बाय 4, 4, 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो -5 इसका आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद ये नेचर ऑफ रूट्स वाले क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्केयर ना हो, ग्रेटर देन 0 हो और वो परफेक्ट स्केयर ना हो, तो वो आपने याद रखना है कि वो इरेशनल होता है। अच्छा अब इसको भी मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं कि ये इरेशनल के बराबर किस तरह होता है, फिर इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मसलन इसको यहाँ से पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब आपने ये बात ज़रा इस तरह समझनी है कि एक्स जो है ये बराबर है -b+-k√b2-4ac/2a। अब ये जो चीज़ है ना ये डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये चीज़ आ जाए 0 के बराबर, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाए तो आपने लिखना है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और रियल है। अच्छा अगर यही चीज़ किसके बराबर आ जाए, परफेक्ट स्केयर के बराबर आ जाए, मसलन 1 के बराबर आ जाए, 4 के बराबर आ जाए, 9 के, 16 के, 25 के, इस तरह किसी चीज़ के बराबर आ जाए, तो वो इस स्केयर रूट को ख़त्म करेगी। मसलन इधर अगर हम 9 लिखें तो 9 का स्केयर रूट 3 हो जाएगा, तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा। अगर स्केयर रूट ख़त्म हो जाए ना तो फिर आपने याद रखना है वो रैशनल बन जाता है, कि आपने क्या कहना है, वो किसके बराबर है, रैशनल के बराबर है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाई की फॉर्म बन जाती है, पी बाई क्यू वाली फॉर्म बन जाएगी। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएंगे, आंसर तो अनइक्वल हो जाएंगे लेकिन वो क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। तो ये इसका जवाब है, अगर परफेक्ट स्केयर हो तो रैशनल और अनइक्वल, और अगर उसका जवाब ग्रेटर देन 0 तो है, यानी कि ग्रेटर देन 0 तो है, मसलन वो 2 है 3 है और 4 तो इधर आ गया, 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10, इस तरह के, इनको कहते हैं नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट परफेक्ट स्केयर। अगर नॉट परफेक्ट स्केयर होगा तो फिर जो स्केयर रूट है ना इसने खत्म नहीं होना, मसलन अगर इस जगह पर 5 लिख दें, 5 का स्केयर रूट तो खत्म होता नहीं है,
जब ये स्केयर रूट खत्म ना हो तो फिर ये इरेशनल हो जाता है। तो आपने याद रखना है ये इरेशनल होगा और अनइक्वल होगा। और अगर ये चीज नेगेटिव हो जाए, मसलन बी स्केयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए, तो फिर स्केयर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। माइनस वन माइनस फोर कोई भी टर्म माइनस में आ जाएगी। जब ये माइनस में आएगी तो जवाब किस में आ जाएगा, अयोटा में। तो इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स, के रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। के रूट्स क्या होंगे, कम्प्लेक्स और अनइक्वल होंगे। तो ये अगर बातों की आपको समझ आ गई है तो फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल ही नहीं है। मसलन अब ये परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसका मतलब इसका स्केयर रूट खत्म नहीं होगा, तो जवाब क्या आ जाएगा, इरेशनल और अनइक्वल। तो इधर इरेशनल उन्होंने बताया हुआ है तो यही लगा देंगे। तो जो नेचर ऑफ रूट होती है वो कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्केयर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। नेचर ऑफ रूट बताएं इसकी क्या होगी, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लें बी स्केयर माइनस फोर ए सी का जवाब निकालें तो ये 5 का स्केयर माइनस फोर ए और सी, तो ये आ गया जी 25 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया, 8 आ गया। अगर हम 25 के अंदर 8 को जमा करें तो कितना हमारे पास आ जाएगा जी, 30, यानी कि ये 5 और 3 यानी कि 33 आएगा। अब अगर हम 33 का वो स्केयर रूट लेते हैं वो तो खत्म ही नहीं होता है, तो अब हमारे पास जवाब क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल और अनइक्वल, क्योंकि ये 33 जो है ये नॉट परफेक्ट स्केयर है, इस वजह से ये इरेशनल और अनइक्वल होगा। अच्छा, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो और साथ परफेक्ट स्केयर हो तो फिर हमारा जवाब क्या होता है, रैशनल होता है और अनइक्वल होता है। और इसी तरह इसके आपने फैक्टर बनाने हैं, जब फैक्टर बनाएंगे इसके रूट्स 2 निकलेंगे, 2 और -3। तो ये क्या रियल नंबर है, रियल नंबर क्यों इस कह रहे हैं, ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पर जाहिर किए जा सकते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगर ये हमारे पास इस कम्प्लेक्स कब होगा, कम्प्लेक्स उस टाइम होगा जब स्केयर रूट के अंदर माइनस आएगा। तो स्केयर रूट में माइनस आया तो इसका मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो फिर ये कम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये रैशनल कब होगा, जब उस रैशनल उस वक्त होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, रैशनल और इक्वल होगा। तो ये रैशनल और इक्वल दोनों होते हैं अगर ये बराबर 0 हो तो, बराबर 0 हो तो ये भी रैशनल है, और इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट स्केयर और ग्रेटर देन 0 हो फिर रैशनल होता है, वरना वो इरेशनल होता है, या कम्प्लेक्स होता है अगर लेस देन 0 हो तो। वो इस जगह पर ये मैंने आपको बातें बताई हुई हैं, इनको आपने अच्छी तरह पहले समझना है फिर इन क्वेश्चन को करना है। उसके बाद कह रहे हैं अगर तो चीज लेस देन 0 हो तो उसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है कम्प्लेक्स, इमेजिनरी कह लें या कम्प्लेक्स कह लें। तो इसके ये दोनों ही आंसर हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको कह लें। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4, ये कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।